नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर मैदान पर वापसी करने को तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह शादी के ब्रेक के बाद अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए हैं। 27 वर्षीय गेंदबाज हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न हुई सीमित ओवरों की सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें निर्धारित क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन संग शादी करने के बाद से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। दोनों ने 15 मार्च को गोवा में एक निजी समारोह में शादी की थी। इस दौरान दोनों ने कुछ रिश्तेदार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। शादी के बाद अब बुमराह आईपीएल 2021 की तैयारियों में जुट गए हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे घर में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, इस वीडियो को शेयर करते हुए मुंबई इंडियंस ने लिखा कि ये है वो ट्वीट जिसका सभी को इंतजार था। बता दें कि इस वीडियो में बुमराह वेट लिफ्टिंग करते नजर आ रहे हैं। बता दें, जसप्रीत बुमराह का ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जसप्रीत बुमराह कब तक टीम से जुड़ेंगे, इस बात की अभी तक कोई सूचना नहीं है। बुमराह से पहले कप्तान रोहित शर्मा सहित कई खिलाड़ी मुंबई इंडियंस से जुड़ चुके हैं। इसमें हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और सूर्य कुमार यादव का नाम शामिल है। गौरतलब है कि बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए बीसीसीआई से छुट्टी मांगी थी। उन्होंने निजी वजह का हवाला देते हुए छुट्टी मांगी थी। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया था और बाद में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भी टीम में शामिल नहीं हुए थे। बता दें, जसप्रीत बुमराह ने 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। बुमराह अब तक 19 टेस्ट, 67 वनडे और 49 टी20 मैच खेल चुके हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।